परमेश्वर दुनिया ते ऐस प्यार राखी कि वो अपन इकलौता लड़का दे दी ताकि जौन कौनो उई पर विश्वास करी वो नाश ना होई पर अनंत जीवन पाए। परमेश्वर अपन लड़का का दुनिया में यही के मारे ना ही भेजिस कि दुनिया का सजा दे पर एक खातिन भेजिस कि दुनिया उई के जरिए उद्धार पाए। आज प्रभु येसु मसीह के एक अरब ते ज्यादा माने वाले मची ही विश्वास दीनता ते भरा चारों शुभ संदेश में लिखा गवा है। और जबकि दूसर शुभ संदेश दूसरी घटना के और वही घटना के दूसर तरीके ते बतावत हैं, प्रभु यीशु मसीह का ई कथा पूरे तरीके ते लूका लिखे शुभ संदेश तेने लीन गई है। प्यारे थियोफिलुस, हम तुमका हुई बातें एक सिरे तेने लिखित हैं जौनो हमारे बीच में यहाँ हुई चाहते तुम सबे बातन के पूरी सच्चाई ते जान सको। जिन दिनन में कैसर अगस्तुस रोम के महाराजा रहे और महान हेरोदेश यहूदिया के राजा रहे, परमेश्वर नाजरत नगर के री याक कुंवारी ते मिले के खातिन जिब्राइल सर्गदूत का भेजी। वह कुंवारी कन्या के नाम रहे मरियम। हे मरियम, डराव ना, कहे से कि परमेश्वर केरी दया तुई पर है। तुई गर्भवती होइयो और याक लड़का का जन्म दियो, वही का नाम ईसु रखो। यहू कैसे होई, हम तो कुंवारी हन। पवित्र आत्मा तुई पर छाया करे और यही के कारण वो पवित्र बालक परम प्रधान परमेश्वर के आर बेटा कहलाई, वही के राजकार कभव अंत न हुई। मरियम अपन पिताऊद बहन इलिशिबा से मिले खातिर यहूदा केरे गांव गई जो उन्हें अद्भुत तरीके से गर्भवती रही। इलिशिबा, मरियम, बहन मरियम, तुम सबे औरतन मैया धन हो और जौन बच्चा तुम पैदा करियो तौन धन है। जैसा नाम तुम्हारा नमस्कार सुनेन हमार गर्भ के बच्चा खुशी देने उछरी पड़ा। हमार जीव प्रभु केरी बड़ाई करते हैं और हमार आत्मा उद्धार करे वाले परमेश्वर ते खुश गई। अब ते सब पीढ़ी दर पीढ़ी वाले हम का धन्य कहिए। नासरत के सब लोग सुनो, अगस्तुस कैसर के हुकुम से यहूदिया और गलील के सब क्षेत्रन के जनगणना की जाए। यही से सब लोग अपने अपने पुरखन केरी जन्मभूमि के नगरन और गावन मा जा कहीं अपन पर नाव जरूर लिखा दे। हमार मेहरिया गर्भवती है, हमका ठहरे खातिन तनिक जगह दे सकत हो। और मरियम अपने सगाई लागे वाले यूसुफ केरी साथे नाव लिखावे खातिर यहूदा के बैतलहम गाँव गए। मुला बैतलहम मैया उनके रुके खातिर कौनो जगह नहीं रहे और रुके खातिर सिर्फ याक जगह जौन मिली वो करीब को साला रहे। अब तेज केरी हुई हिस्सा मैया कछु चरवाहे रहे जौन रात मैया अपनी भेड़ इनके रखवाली करत रहे। जब परमेश्वर के सरगदूत उनका दिखाई दी और परमेश्वर केरी महिमा केरे प्रकाश उनके रे आस पास चमका। आजू के दिन दाऊद की आर गांव में यहाँ तुम्हार उद्धार करता पैदा भवा है ख्रीस्ट प्रभु। चरवाहे चरने में यहाँ नए पैदा भाई लड़के का यहाँ देखे तुरंत ही चल पड़े और वही सबसे पहले रहे जो उन कुंवारी माता और उद्धार करता के पैदा हुई के शुभ समाचार फैलाए। याक हफ्ता बाद जब लड़का केरी खतना का समय आवा तो वही का नाम यीशु रखा गया और यूसुफ और मरियम लड़का के यहाँ परमेश्वर केरी सामने उपस्थित करे यरूशलेम में। मंदिर मैया याक अच्छा और भगत मने रहे जैसे पवित्र आत्मा वायदा कही रहे कि जब तलक वो मसीह के यहाँ ना ही देख ले ना ही मरे। वो का नाम सिमाउन रहे। हे प्रभु, तुम अपने सेवक के यहाँ अपने वचन अनुसार शांति से विदा करो। हमारी आखी तू उद्धार के यहाँ देख लेन हमें
ई बालक परमेश्वर का चुना भवा है, तुम दोनों को यहाँ आशीष मिले। और जब वो मूसा के नियम अनुसार सब कर्तव्य पूरा कर चुके, तब यरूशलेम छाड़ी के नाजरत लगे। जब यीशु 12 बरस के रहे तो यूसुफ और मरियम वही का फसा पर्व के खातिर यरूशलेम ले गए। मुला घर लौटा समय वो ये सोचत रही कि लड़का उन्हीं के साथ है, मुला यीशु पीछे रहेगा। वो वही का ढूंढत भय शहर वापस लौट गए और तीसरे दिन मंदिर में यहाँ धर्म गुरुवन और बुजुर्गन के साथ बैठा पाए। ये कहीं का बेटा है जौन ये सवाल कर रहता है? यू तो नासरत क्या रहे, हम सोचें हमरे साथ हवे, कृपा यह की उतावली क्षमा करो। जौने कोई वही का सुने तो उन चकित भय। बेटा तुम हमसे ऐस काहे की हो, तुम्हार बापू और हम परेशान होके तुम्हें ढूंढत रहे। तुम हमका काहे ढूंढत हो, का तुम नहीं जानत हो हमका अपने बाप के रे कामों में लाग रहे के? और ऊ उनके साथ नासरत आवा और ज्ञान डील डॉलमा परमेश्वर और मने की दया दृष्टि में यहाँ पाढ़त गवा। तिबिरियस कैसर के राज केरे 15वें साल में जब पिंतुस पिलातुस यहूदिया के हाकिम रहे और हेरोदेस गलील के राजा रहे और हन्ना और कैफा महापुरोहित रहे, परमेश्वर के वचन रेगिस्तान में यहुन्ना केरे पास पहुंचा और ऊ यर्दन नदी के नेरे आए के पाप के क्षमा के खातिर मन फिराव के बपतिस्मा के प्रचार करे लाग। अपने पापन तेने मनु हटावो और बपतिस्मा लेओ, परमेश्वर तुम्हार पाप क्षमा कर दे। जैसे निशाया भविष्यवक्ता केरी किताब में यहाँ लिखा है, कौनौ रेगिस्तान में यहाँ पुकारती है कि प्रभु के खातिर रास्ता तैयार करो, वही के सफर खातिर रास्ता सीध बनावो। हरिया घाटी भर दीन जाए, हर पहाड़ और टीला बराबर कह दीन जाए, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता सीधी कीन जाई है और कठिन राह आसान कीन जाई, और सबै मनाई जात परमेश्वर क्या उद्धार देखिया है। हम का करी, हम का बताओ, हम का करी? ए सापन केर वंशज, हम का करे कहते हो? हम का बताओ, हम कौनी और जाई? जह के पास दुई कमीजें हैं, वो याक वही का दे दे, जही के पास नाय, जही के पास खाक है वह बाटिक खाए। गुरु हम तो चुंगी ले वाले हन, हम का करी? जौन उचित है वही ते ज्यादा न ले। हमरे खातिर का है, हम का करी? कौनो तेने जबरदस्ती पैसा न ले, कौनो पर झूठा दोष न लगावो, अपन कमाई में संतुष्ट रहो। हमका बताओ, का तू ख्रिस्ट है? हम पानी तेने बपतिस्मा देती है, मुला एक आवे वाला है जौन हमते ज्यादा महान है। हम तो यही लायक नाई हन जौन वही केर जूती केर फीता खोल सकी, वह तुमका पवित्र आत्मा और आग तेने बपतिस्मा देई, वही केर सूप वही के हाथन मैया है, जैते वह सारे अनाज कहीं भूसा तेने अलग कई के गेहूँ कहीं अपने कोठार मैया रखी है।
और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर केरी नाई यीशु पर उतरी। और सड़क पे आवाज आई, तू हमार प्यारा बेटा है, हम तुम ते बहुत खुश हैं। यीशु जब आपन सेवा शुरू की उस समय लगभग 30 बरस केर रहे। वो पवित्र आत्मा ते भरपूर होय के यर्दन नदी ते बाहर आवा और आत्मा वही का मरुस्थल ले गई, जहां शैतान उनकी 40 दिन तक परीक्षा ली। उ दिनन मा उ कछु नाई खाईस। और शैतान उही से कहिन, अगर तुम परमेश्वर के बेटा हो तो कह दो ये पाथर रोटी बने जाए। यू लिखा है, मैं नहीं सिर्फ रोटी से ही नहीं बोला परमेश्वर के लिए हर वचन तेरे जिंदा रहे। यही के बाद ही शैतान उन्हीं का ऊंचे पर ले गवा और थोड़ी देर मैया सारी दुनिया के राज दिखाई दी। हम तुमका इस सब अधिकार और दौलत देवे, ये सब हम का दीन गवाह है और जय का हम चाहे वही का देव। अगर तुम हमारी आराधना करियो तो यह सब तुम्हार हो जाए। यह लिखा है, तुम प्रभु अपन परमेश्वर की भक्ति करो और तुम केवल वही की सेवा करो। फिर शैतान उही का यरूशलेम ले जाई के मंदिर के शिखर पर ठाड़ के हिस। अगर तुम परमेश्वर के बेटा हो तो अपने कहीं हिया तेने गिराए देओ। धर्मशास्त्र कहता है, परमेश्वर आज्ञा दे कि उनके दूत तुम्हारी अच्छी रक्षा कई के हाथों हाथ उठाए ले कि तोरे पैर तलुक पाथर से घायल ना होए। शास्त्री वो कहती है, तुम अपने प्रभु परमेश्वर के परीक्षा ना ले। और वो नाजरत आवा जहां वो बाढ़ा। और सबत के दिन नियम अनुसार वो आराधनालय गए। और उही का यशाया केर किताब माते याग भाग पढ़े खातिन बुलावा गवा। प्रभु केरी आत्मा हमरे ऊपर है, काहे तेने वो हमका चुनी सी है दीनन तक शुभ संदेश दे, कैदियन केरी छुटकारा दे खातिन, अंधरन कहियां फिर निगाह पावे खातिन, दबाए गएन कहियां आजाद करे और यह प्रचार करे कि समय आए गवा है जब परमेश्वर अपने लोगन कहियां बचाए ले। वो ठीक कहा है। धर्मशास्त्र क्या यहू लेखुआ सांच भवा, जब तुम वही का पढ़े सुने। धर्मशास्त्र सांच भवा, बोला ये पता क्या कहें से मसीह पूरा कर सकता है। हम कैसे जानी, बिना सको तुम हमसे ये कहावत कहियो, हे वैद्य अपन कहिया निरोगी करो।
तुम हम तेने यहू कहिबो अपने देश मैया उहे काम करो जौन हम सुनेन का फनो मैया भवा। हमी कहती है कौनो भविष्य वक्ता अपने देश मैया का बहुत स्वीकार नहीं जाते है। ये बात हम तेने यीशु अपन पहचान दी कि वो परमेश्वर के अभिषिक्त मसीह अपन लोग इनके बचावे भेजा भवा। अरे यहूदी उही का मसीह नाय माना, वे उही का चट्टान पर ते गिरावे चाहते रहे, पर वो भीड़ के बीच माते निकर कर आप उन मार्ग लिही। और गलील केर याक शहर कफर नहूं माए। वही समय सारे देश में रोमी राज के शासन देख पड़त रहे और लोग बेसब्री से मसीह के राह देखत रहे कि उन्हें क्रूरता तेने छुटकारा दिलावे। तुमका शांति हो? तुम हो को गुरु जी? सिमोन, का हम तुम्हारी नौ महिया आई सके थे? कहे ना आई। काओ हम का छाड़ी का ना जाए? कुछ बतियाओ, बतियाओ। तुमसे कहा? ईशु, हम तो दिस थे। याक दिन दुई मनई मंदिर में यह प्रार्थना करे गए। याक रहा फरीसी और दूसर का चुंगी ले वाला। बहु फरीसी अलग ठाड़ होई के इस प्रार्थना करे लाग, परमेश्वर हम तो हार धन्यवाद करती हैं कि हम दूसरे जैसे लालची बेईमान और व्याभिचारी नाई हन। हम धन्यवाद करते हैं कि हम चुंगी ले वाले जैसे नाई हन। हम हफ्ता में यह दुई उपवास रखी के तुम का आमदनी के दसवां हिस्सा देते हैं। मुला चुंगी लय वाला दूर ठाड़ हुई के स्वर्ग पर बिना निगाह उठाए अपनी छाती पीट पीट के कही सी, परमेश्वर हम पापी मनई पर दया करो। हम कहती है परमेश्वर क्या निगाह मैया फरीसी नाए। मुला की चुंगी लय वाला धर्मी ठहर कर घर गईस। जौन अपन आप क्या ऊंचा करे वो छोट की जाई और जौन छोट करे वो ऊंचा की जाई। नाव गहरे पानी मैया ले चलो, तब तुम और तुम्हार साथी मछली पकड़े खाती जा डारो। ओ प्रभु, हम सारी रात कठिन मेहनत की, मुल्ला कछु नाई पकड़े, लेकिन तुम कहत हो तो हम अभन जाल उधार लेते हैं। याकूब, यहुन्ना, याकूब, यहोना, अपन नाव यहाँ ले आओ, हमारी मदद करो, जल्दी, जल्दी। हम नहीं कर सके, हमारे हाथ भरे हुए। इतना बहुत है, इतना बहुत है। हमरे पास देने जाओ प्रभु, हम तो पापी मनई हैं। तुम डराओ नहीं, अब ते तुम मनई का यहां पकड़ियो। हमरे पास आओ और हमार वचन सुनो, हमार सुनो तुमका जीवन मिली। प्रभु केरी खोज में यहां रहो जब तलक मिल सकती है, जब तलक वहु नगीचे है वही का पुकारो। बुरे मनई अपन राह छोड़े, अनर्थकारी अपन बुरे विचार छोड़ी के प्रभु के पास आवे और वहु वही पर दया करी है। वही का पूरी तरह तेने क्षमा करी है, काहे तेने तुम आनंदित होई के निकरी हो
और शांति से चलती रही। यीशु हमारे कील बिटिया कहीं बचा ले, प्रभु दया करो। उसी 12 वर्ष के लिया है और मरती है, दया कह के हमारे साथ चलो यार। हमको दुखा यीशु तोर बिटिया मर गवा, गुरु को ज्यादा परेशान ना करो, डराओ ना, विश्वास रखो ठीक हो जाइए। तुम रोवो नहीं, उम्र ही नहीं पर केवल सोवती है। बिटिया उठाओ, वही का कछु खाए का देव। हम तुम ते कही थन जौन हिया भवा केहू से ना बतावा। यही के बाद उमती लेवी नामक चुंगी ले वाले को देखी जौन फाटक पर बैठ कर लोगन से चुंगी लेत रहे। हमरे पाछे आओ, और यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करेगा वा और सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करे मां बिताईस। और जब दिन भवा तो बारोल चेलन के स्वागत की और उनका प्रेरित की। समाओ जेकर नाव पत्रस राखीस और अंदरियाज उही का भाई याकूब और यहुन्ना फिलिपुस और बर्तुलमय और मत्ती और थोमा याकूब हल्फाई के बेटा और समाऊ जो जेलोतिस कहा होती रही और यहूदा याकूब के भाई और यहूदा इस्करियोती
जो उन पकड़ाए वाला रहे। धन्य हो तुम दीनन, परमेश्वर के राज तुम्हार है। धन्य हो तुम भूखन कहते तुमका तृप्त की जाई। धन्य हो तुम जो रोवती हो कहते तुम हसीओ। धन्य हो तुम जब लोग तुमते घृणा करें और निकारे दें और तुम्हार निंदा करें और मनुष्य पुत्र के कारण तुम्हें बुरा कहें। जब आईस होए लागे तो खुश होए के आनंद से नाचो। तुम्हारे खातिर स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके पुरखन भी भविष्य वक्ता के साथ ऐसे नहीं करत रहे। अतना है हमारे पास। तुम्हार का मतलब तुम्हारे पास यही है। तुम पर जो ना अमीर हो, तुम अपन आराम के जिंदगी पाए गए हो। वो धनी राय बने चाहत है, वो पागल है। हाय तुम लोगन पर जो ना भसती हो, तुम विलाप करी हो, रोई हो। हाय तुम्हें पर जब सब मने तुम्हारे बारे में भला कहें, उनका झूठे पुरखा भविष्य वक्तन के साथ आईस किहन रहे। मुला हम तुम सुने वाले ते कही धन, अपने दुश्मन ते प्रेम करो। जे तुम ते नफरत करे वही का भला करो। सताए वाले इनका आशीष देओ, जे निरादर करे उनके खातिर प्रार्थना करो। अगर कौनो या गाल पर थपरा मारे तो दूसर गाल भी फेर दे। और जौन कोई तुम्हार कोट ले ले वही का कमीजो दे दे। जौन कोई तुमते मांगे वही का दे। अगर तुम्हार कौनो कोई चीज ले ले जौन तुम्हार होए फेर ना ले। तुम जौन चाहत हो लोग तुम ते करें वैसन तुम्हू करो। अगर हिया तुम केवल प्रेम करे वाले तेन प्रेम करती हो तो तुहिका काहे का आशीष मिले। काहे ते पापी ने केवल प्रेम करे वाले ते प्रेम करती हैं। अगर हिया तुम भलाई करे वाले इनके अरे संग भलाई करी हो तो काहे का यहाँ आशीष पई हो। जबकि ना पापी ने ऐसा करती है। ये भाई का कैसे छुआ था भाई? नहीं, बैरियन ते प्रेम कराओ और उनके भला करो। जौन दई देव फिर आवे करी आशा ना रखो तब तुम बड़ा प्रतिफल पई हो। तुम परम प्रधान परमेश्वर के संतान बनबो। काहे ते कि दुष्ट और कृतज्ञ करे खाति नीक आए। दयालु बनाओ जैसन तुम्हार बाप दयालु आए। हमको पछावा यीशु। न्याय ना कर रहो तो तुम्हारो न्याय ना की जाई। दोष ना लगाओ तो तुम्हो पर दोष ना लगाई जाई। क्षमा करो तो तुम्हो केरी क्षमा की जाई। हमका अपन रास्ता दिखाओ प्रभु। दियाओ तो तुमका दीन जाई। जो नापते तुम दिया था वही नापते तुमका फेर मिली है। यहाँ का धर्म नहीं दूसरे का नहीं चला सकत। अगर वो ही करता है तो दोनों गढ़वा मगरी है। अपन आखिर के लठवा दिया खाए बेनो अपने भाईवा के राख इनके तिनका काहे देखा था। प्रभु हमका राह दिखा। बहु काबे तुम्हार जरूरत है प्रभु। धन है वो महतारी जोन तो एका जन्माईस और पोसेस। बोला वही खुश है जोन प्रभु के सब सुनिन और कहा मानिन। हमें मनई का जानक चाहिए था। तू सोचा था कि वो मसीह हवे।
ये फरीसी यीशु का बुलाइन अपने साथ खाए पर यीशु उनके घरे गए और खाए के लिए बैठ गए। आओ लड़काओं, यहाँ तेने चला जाओ, तुम सुने हो नहीं, चलाओ ये लड़का बहुत शरारत करती है। यहाँ क्या करती है? हम नहीं जाने था। हमका कछु कहे का देव दो मनाई रहे वो महाराजन कर्जदार रहे एक पर 500 और दूसरे पर 50 चांदी के सिक्का कर्ज रहे दोनों वही का नहीं लौटा पाए दोनों कर्ज क्षमा हो गए वही माँ कौन वही का देख महाए हम सोचे जे के ज्यादा कर्जु माफ कीन गवा तुम ठीक हो तुम ही औरत दिया खाओ हम तो हर घरे में आए तुम हमका पानी नहीं दिया पैर धोवे का मलाई हमार पैर अपनी आंसुओं ते धोईस और अपने बलवन ते पोछीस तुम हमार स्वागत चूमी के नहीं किया जब ते हम आए नहीं आई हमार पैर चूमना नहीं छोड़ीस तुम हमार सिर पर तेल नहीं मलियो मलाई हमार गोड़ पर इतर मलिस तो हम कही धन भाई का दिखावा गवा बड़ा प्रेम प्रमाणित करती है क्योंकि बहुत दिन पाप क्षमा भर मुला जे के थोर क्षमा हो गए थोरे के प्रेम दिखावत है तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं तुहार विश्वास बचाए ही शांति देने जाओ यीशु परमेश्वर के लिए राज कर संदेश सुनावत भाई यात्रा करे लागे भाई के 12 चेला और साथ रहीं दुष्ट आत्मन ते नीक कीन गई औरतें मरियम जोन मगदनीनी कहलावती है यहुन्ना जेकर मरत खोजा जोन हेरोदेश के दरबार में भंडारी रहे और सूसना मुला की गलील मा रोमन ते चुना गवा सासुक हिरदीस यहुन्ना बपतिस्मा देवाले का दारिम बंदी खाने काहे से वो बेहा की निंदा कीन सासु केरी भाई की पत्नी केर और जैसे हम नाइन के दबाए पर आयन बड़ी भीड़ एक मुर्दा लेकर जायज रहे मुर्दा एक विधवा केर अकेल लड़का रहा है जब यीशु विधवा को देखिस तब भाई का हृदय दया से भर गवा वो अर्थी का छुईस और कहिस हम तुमसे कही थान हे जवान उठ तुरंत ही मुर्दा उठ बैठा और यीशु भाई का उसकी मताई का सौंप दीस वही ते पूछो कहाओ का तुम वहाँ हो जौन यहुन्ना आवे वाला कहिन रहा है या हम और कोई आशा राखी गुरुजी गुरुजी यहुन्ना बपतिस्मा दे वाला ई पूछे भेजी सब है जब उन आने वाला रहे का तू वही आई या हम और केरी राह देखी
जाय की हुन्ना ते कहो जो तुम सुने और देखे हो। आंधर दिया खत हैं, लियांगर चलत हैं, धन्य है हुई जिनका हमारे बारे में संदेह ना आए। हमको ऊपर उठाओ। मेरे कंधे पर बैठो, अब तुम देख सकते हो। हम यीशु के देख सकी थे। याक बिया बोई वाला बीज बोई निकरा, बोवत महिया कछे बीज रस्ता केरी तीर गिरा और कचरा गवा, और आकाश के चिड़ियन उनका चुग लिहिन, और कछे चट्टान पर गिरा और जाम हवा मुला पानी ना पावाए खातिन झुरस गवा, और कुछ बीवा झरियन महिया गिरा मुला झरियन बराबर तिबाड़ी के वैका दबाए लिहिस, मुला कुछ बीवा नीक धरती पर गिरा और पौधा बाड़ी के ऐसन भरा कि सौ गुना फल्लावा। स्वामी, जब भीड़ नेरे हो तो तुम मिसालन माँ काहे बतला था। तुमका परमेश्वर केरी राज्य के भेद केरी सीख दीन गई है। मुला औरन का मिसाल में सुनावा जाते है, जो उन देख सकत भी ना देख है और सुनत भय भी नहीं समझती है। मिसाल केरी मतलब ही आए। के बीवा परमेश्वर केरी बचन आए। रास्ता के तीर केरी वो आए जो उन बातें केरी सुनिन। मुला शैतान आई के उनके हृदय मते बचन निकारी ले जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो विश्वास करी के मुक्ति पाए जावे। पाथर जमीन परी के वो बीज है जो उन बचन का सुनी के खुशी से ग्रहण करती आए। मुला जर ना पकड़ता है, वो तनिक देर तलक विश्वास राखत आए और जब परीक्षा के समय आवते आए तो गिर पड़ती आए। और झारिन माँ कह हुआ है जो उन बचन का सुनाती आए। मुला समय करी संग संग फिकर और माया अठहर जिंदगी करी भोग विलास में उलझ जाती है और जिही माँ फल नहीं लगती। नीक धरती पर ही परे बीज आए जो उन वचन सुनी क्यार वही का नीक और आज्ञा माने वाले हृदय में धर राखी था और ऊप हर पाए तलकू लाग रहती आए। कौनो मसाल बार के बर्तन ते ना ढाकत ना खाट के निचवा रखती है, पर वही का दीवट पर यहाँ रखता है। जौन कुछ छिपाओ है वो बाहर लावा जाए और जौन कुछ ढका है वो ढूंढ के उजियारे में प्रकट की जाए। होशियार रहो, तुम कैसे सुनती हो। कहे थे कि जही के पास है वही का और दीन जाए। मुला जही के पास थ्वार है वह ले लीन जाए जौन वो आपन समझती आए। गुरु, तुहार महतारी और भाई बाहर ठाड़े हैं, तो उसे मिले का। हमार महतारी और भाई वो हो जोन परमेश्वर के वचन सुनिन और मानती हैं। याक दिन येसु अपन चेलन के साथ नाव पर सवार भाई और कही कि झील के वही पार चला। और जब वो खेवत रहे येसु सोवेला। हम सब बच जाए।
तुम्हार विश्वास कहाँ आए? और वो गरासीनियों केरे मुल्क की तरफ खेते गए चुन गलील ते झील केरी उई पार रहा। परमेश्वर क्या बेटा, तू हमसे का चाहते? तू से चाहती हन हम कटन ना देव। तोहर का नाव है? सेना। प्रभु हम तो से चाहते हम का नरक में ना भेज स्वर्ग के कालन में यहाँ हमका भेज दे। हे वापस आओ, करो करो। और दुष्ट आत्मा मने मां से निकल गई और स्वर्ण मां चली गई। हम तोरे पाछे चलब प्रभु, हमका साथ चले दियो। घरे लौट जाओ, परमेश्वर जौन के ही सू बताओ। यीशु और उकर चेला अलग होई के बदसाइदा गए। उला भीड़ी जान गई और वही के पाछे चल गई। गुरु लोगन कहिया भेज दे, काहे तेने आस पास के गांव मैया जाए सके और खाए और रहे खातिन जगह ढूंढे। ये याक सुनसान जगह है। तुम खुद है उनका कछु खाए खातिन देव? हमारे पास केवल 5 रोटी और 2 मछरी हवे। धन्य है तू प्रभु हमार परमेश्वर, सृष्टि क्या राजा, जौ धरती मते अन्न उपजावती है। Thank you.
हम कौन हैं जो लोग कहती आए? कोई कहते है कि तुम यहुन्ना बपतिस्मा दे वाला हो, दूसरे कहते है कि तुम एलिया हो, जबकि और लोग कहते कि कौनो पुराण भविष्य वक्ता फिर जिंदा हो गवाह है। तुम का कह दिया कि हम कौन आए? तुम परमेश्वर के मसीह हो। तू ये बात केहू ते ना कहो, मने ही क्यार बेटवा बहुत दुख उठा कर नकारा जाए, वो जरूर मार दीन जाए, पर तीन दिनन बाद वही का जीवित की जाए। How clearly the sky reveals God's glory. Each day an answer seen to the following day. Each night repeats it to the next. कतुमरे में तो कौन हमरे साथ आई? हम तोरे पाछा आए बे गुरु। मुला पहले हमका जाय के यार परिवारन से विदा ले ली दियो। कौनो ज्योत एक सुरु के ही सुर पाछे देखी सु परमेश्वर के राज लायक ना ही आए। अगर कौनो हमार साथ आए वो अपन कहीं भूल ही जाए, अपन क्रूस रोजे उठाए और हमरे पाछे आए। जौन आपन खुद के अरजान बचाए वही का खोई, और जौने कोई हमरे खातिर आपन जान खोई वो वही का बचाई ले। जे मने ही सगरे संसार का पाए ले और आपन जान गवाई दे तो का फायदा? जौन मने ही हमते और हमार शिक्षा ते शर्मात आए, तब मनुष्य क्यार बेटवा अपने पिता और पवित्र स्वर्ग दूतन क्यार महिमा में आई तब वो मने ही ते शर्माई। हम वचन दे थन कछु ऐस यहाँ है जब लोग परमेश्वर के राज ना देख ले हैं ना मरी है। यीशु यहुन्ना याकूब और पत्रस का आपन साथ लेके पहाड़ पर प्रार्थना करेगा वा। और जब वो प्रार्थना करत रहे वही के मुंह की शकल का रूप बदल गवा, वही के कपड़वा उज्जर होई के चमके लागे। अचानक दुई मनी वही के साथ बात करत रहे, वे मूसा और एलिया रहे जौन स्वर्ग केरी महिमा मा प्रकट भए। तुम परमेश्वर के इच्छा पूरी करी हो। तुम्हार मौत यरूशलेम में होई। जसो वेदा होए लागी पत्रस यीशु से कहिस, गुरु ये कितना नीक है कि हम लोग यहाँ हैं, हम लोग तीन डेरे बनाई एक तुमरे खाए। जस पत्रस बोलत रहा तो याक बादल आई के उनका ढाप लीस, चेला डर गए और बादल से न एक आवाज आईस, यू हमार बेटा है जो चुना गवा है वही कर सुनाओ। करत है हमरे ललका का यहाँ देखो, कृपा करके उसका बचाए लो, कहे से हमारे एक ललका हवाई
हम तेरे से ही का ठीक करे केर विनती करें मिलाऊ ना कह सके। आए अविश्वासी और टेढ़े बंस के लोगों, हम तुम्हारे साथ कब तलक रहब और साहब, लड़का को ही ले आओ। हमका प्रार्थना करे सिखावा जैसे हुना अपना चिल्वन का सिखाई न हावे। जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे हमार पिता जौन स्वर्ग में हो, तुम्हार नाव पवित्र माना जाए, तुम्हार राज आवे, जैस तुम्हार इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसो जमीनों पर होए, दिन ब दिन हमार रोजी का रोटी देव और हमार पापु क्षमा करो, क्योंकि हम हर एक ऋणी क्यार क्षमा करती आए, और हमका प्रलोभन में न ले जाओ, मुला बुराई ते छोड़ाओ। मांगो तो तुमका मिली है, खोजो और तुम पई हो, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाए, काहे ते जे कोई मांगे वही का अवश्य मिलाता है, और वो जोन खोजाता है जरूर पाई, और जो ने खटखटाई तो उन्हें क्या दरवाजा जरूर खोला जाए। तुम में ते जोन पिता है का अपन लड़का का मछली मांगे पर यहाँ सांप दे, या अंडा मांगे पर वही का बिच्छी दे। तुम जितने बुरे हो अपन बचपन क्यार नीक चीज दे जाना था, तो सरक केरे पिता पवित्र आत्मा को कत्ता अधिक दे जौन वही ते मांगत आए। हम तुम ते यू कहते हैं, आपन जीवे केरी चिंता ना करो कि हम का खाइब, ना देही खातिर की का पहिरब, कहे कि खाइन ते बड़ी का जीव आए और देह कपड़ा ते बड़ी के आए। कौवन का दिया खाओ, ऊ ना बोवती आए ना काटती आए, ना ही उनकेरी भंडारे आए, तपरो उनकेरी पिताओं ने ख्यावत आए, तो तुम तो पक्षियन ते कत्ता अधिक कीमती आओ। तुम्हारे मते कौन चिंता करके आपन जीवन क्या आयु बढ़ा सकता है, जब तुम ये छोटे काम का नहीं कर सकते हो तो दूसरी बातें की चिंता काहे कराता हो। सोसन क्या फूलन के देखो, वो कैस बढ़ाता है, वो ना तो बोवत ना ही मेहनत कराती है, तपरो राजा सुलेमान अपन सारी महिमा माँ उमा मत याक समान सुशोभित ना रहा। यदि परमेश्वर जंगली घास क्या जौनाज है और काल अग्नि में झोंकी जाए ऐस पहरावत आए, तो कितना निश्चित है कि वो तुम्हों का भी पहराई। ऐ कम विश्वास वालो, हमार विश्वास और बढ़ाओ। अगर यहाँ तुम्हार विश्वास राई करी बीवा बराबर आए, तो तुम इस सहतूत करी पेड़ ते कह सकता कि अपने जड़ ते उखड़ करी समंदर में जा लगाओ, तो वो तुम्हार कहना मान ले।
पाप गिरी पर लोभन जरूरे आए लधिकार हुई पर जय के जरिए आवती आए वही के खातिन बेहतर आए कि वही के गटई में पाथर बांधा जाए और समंदर में डारी दीन जाए कि वो इन छोटन में एक क्यार खातिन पाप क्यार कारण बनाती आए परमेश्वर क्या राज केहू केरी समान आए वो यही केरी समान आए याक मनई राई केरे बीवा लाई के अपने खेतवा में बोवते आए और छाट बिरवा बाड़ी के पेड़ बनी जाती आए और आसमान के चिराए वही के डारी में घोसला बनावती आए हमका मालूम नहीं कि वो कह के रहे बारे में कहा था तुम चुंगी ले वाले और पापिन के यार साथ काहे खात पिया था निरोगन केरी बैद क्या जरूरत नहीं मुला केवल ऊ जे रोगी नाए हम आदरणीय मने के पछताए कर संदेशा देवे नहीं आयन मुला गिरे हुए क्या सरक के रे राज कहिया फिर बताओ कछु और आए ऐ छोटे झुंड ना डराओ काहे थे कि तुम्हारे पिता कहिया ई भावा आए कि तुमका राज दे अपन सब धन बेच के गरीबन में बांट दे अपने खाती नईस बटवा बनाओ जोन फटे ना और अपन धन स्वर्ग में यहाँ जमा कराओ जहाँ कभो घटती ना काहे थे कोनो चोर हुआ ना ही पहुँच सकती आए ना कोनो किरवा खत्म कर सकत काहे जहाँ तुम्हार धन हुई हुए तुम्हार दिल लाग रही ए नारी तू अपन बीमारी ते छूट गई हो देखो देखो वो नेक भाई ये अजरा छावे देखो वो नेक भाई आओ देखो परमेश्वर प्रभु का जय हो 18 बरस परमेश्वर तो का सुखी रखिस गुरु 6 दिन भए जेमा काम करे चाहिए भले होए खातिन वहे दिन मैया आवे चाहिए मुला सबत केरे दिन नाही अरे ढोंगी लोगो का सबत केरे दिन तुम में ते कोई अपने बैल या गधे को अस्तबल ते खोल कर पानी पिलाए ना ले जात अब हियां अब्राहिम क्यारी वंशज जय का सैतान 18 साल बंधन में राखेस कहू सबत केरे दिनन मुक्त कीन जाए का नहीं चाहिए उत्तम गुरु अनंत जीवन के यहां पावे खातिर हम का करी तू हमका उत्तम काहे कहा दिया केवल परमेश्वर के अछाड़े के केउ नीक ना आए तू या ज्ञानन का जाना दिया व्याभिचार नाय करो खून नाय करो ना ही के ऊपर झूठे दोष लगाओ आपन माई बाप क्या आदर करो ई सब आज्ञान कई हां हम बचपन से ही माना था तुमका अब हूं या और काम करे का आवश्यकता है आपन सब कुछ बेच कर धन गरीबन के दे दो तो एका स्वर्ग में धन मिली है फिर आई के हमरे पाछे होइले मुला हम तो व्यापारी हन धनी याक धनवान को परमेश्वर के राज में यहाँ प्रवेश करे का कितत मुश्किल है धनवान को परमेश्वर के राज में यहाँ प्रवेश करे ते ऊंट के यहाँ सुई क्या आँख मते निकल जाए आसान है तब कौन उधार पा सकत है जौन काम मनई ते ना होई परमेश्वर कर सकती आए ठीक है लेकिन ईश्वर का राज कहाँ हो परमेश्वर क्या राज ऐसन रूप में नहीं आई है जो दिखाई दे कोनो ई ना कही देखो वो हिया है या हुआ आए कहे थे परमेश्वर का राज तुम्मा है समय आई है जब किन्हा तुम मनई के पुत्र के दिन अनमत या को देखा को चाहिबो मुला नहीं देख सकियो जैसन बिजली आकाश ते एक ओर ते दूसरी ओर चमक कर यहाँ प्रकाशित करती है वैसन मनई के पुत्र अपन दिनन में प्रकट हुई पर ही आई का बहुत दुख उठाई कर यह युग क्या लोगन ते नकारा जाए का पड़ी
नियम क्यार छोटन सी बातिन पर असफल हो जाए के बजाय आकाश और धरती का टली जाए आसान आए। हम कहा था बहुत राजाओं और भविष्यवक्ताओं ने जौन तू देखा था देखा के चाहिन पर नहीं देख सके और जौन सुना था सुनना चाहिन पर नहीं सुन सके। हमका का करे का चाहिए? धर्मशास्त्र का कहते हैं? तुम वही का मतलब निकालते हो? तू अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे हृदय कुलात्मा कुल शक्ति कुल बुद्धि से प्रेम रखो, अपन पड़ोसी से अपन नहीं प्रेम रखो। तुम ठीक हो, ऐसा करियो तो जीत रही हो। हमार पड़ोसी कौन हवे? वो फौजी नहीं। कैसर के बारे में का भवा? याक बार एक मने यरूशलेम ते यरीहो जात रहा, जब डाकुओं ने हमला करके ओकर वह कपड़ा उतारिन मारिन और अधमुआ छोड़ के चला गए, तब हिन ऐसन भवा याक धर्मगुरु वहां ते जात रहा। तब वही का देखिस तो दूसरी ओर चल दिहिस। वहीं तिन्हा एक लेवे वहां पर आवा, उजाई के घाल मने करी देखे के दूसर ओर चल दिहिस। पर याक सामरी वहां रहवा पर जात रहा और जब ऊ वही घाल का देखिस तो ही का दिल दया तेनी भर गवा। ऊ वह घाल पास गवा, गाँव पर तेल और दाखरस राखी के पट्टी बांधिस, फिर अपन सवारी पर बिठाई और धर्मशाला ले गवा, जहाँ वही कर देखभाल की। दूसरे दिन धर्मशाला के अरमाली कहिया दुई चांदी कर सिक्का दे के कहिस, वही कर ठीक तेना देखभाल करो और जब हम वापस आईबे तो जौन कुछ ज्यादा हुई वही का भर देबे। ये तीनों मैया ते घायल के प्रति पड़ोसिन के काम के किस? दोनों की सेवा की। तो फिर तुम वैसन करो। बालकन कहिया हमारे नियरे आए देव, पर मिना ना करो, कहे थे परमेश्वर के राज ऐसन जैसा है। हम तुमते सा चुका है जवनो परमेश्वर क्या राज क्या बालक जैस नहीं अपनाई वो कभो महिमा ना दाखिल हुई। जो कहनु ये बालक क्यार हमरे नाव ते स्वीकार करती है वो हमरा, और जौन हमरा वो हमार भेजे वाले क्यार स्वागत करती है। तो मैं जौन सबसे छाट है वो सब ऊँचा है। अरे यहाँ का है, ये सब का है? यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है। यीशु, यीशु, ए दाऊद केरी संता, हम पर दया करो। तू हमते का करा के चाहती हो? हम पे देखा चाहत हन। त देखाओ तुम्हार विश्वास तो का नीक किस? हम देख सकित है, हम देखन लाग, हम देख सकित है। जब यीशु यरूशलेम के राह पर जाते रहे तो सब जगह वही का भीड़ मिली। लोग उहते चाहते रहे कि वह उन्हें उद्धार के मार्ग के बारे में बताएं और परमेश्वर के राज के बारे में और सिखाएं। और गुरु हमका बचाओ। हे प्रभु हमका बचाओ, हमका बचाओ। प्रभु क्या सोते हो? प्रभु हमका सही रास्ता दिखाओ। लोग यीशु का अपन प्रभु और स्वामी माने के शुरू कई दिन रहे। यह रोमा जकई नाम का चुंगी ले वाला रहा, वो यीशु कहीं इतना देखा चाहते रहे कि भीड़ से निकल के पेड़ पर ही चढ़ गया। वो चुंगी ले वाला है जग कई हाली उतर आओ, कहे ते हम आज तुम्हारे घर उठार बे। हमरे घर में? वही के घर में कौन रहे? सही जग कई
सुखेर कस जानत है। सुनो, हम अपनी दौलत क्या राधा हिस्सा गरीबन का देते हैं, और कौन होते ने बहन कीन हो वही के चार गुना हम लौटाई दे थे। हम मान नहीं सके रहे कि यक चुंगी ले वाला अपन चुंगी प्यार दे, असंभव रहा। आज ही घर में यह उद्धार आवा है, कहे थे यू मने इब्राहिम के वंश का लड़का है, मने ही क्यार पुत्र बिसरन क्या ढूंढे और बचावे आवा है। सुनो, हम यरूशलेम कहीं यहां जाते हैं, जी हां भविष्य वक्ता मने केरी पुत्र खातिन जो उन कहीं है सांच भवा, वो अन्य जाति के हाथ सौंपा जी है, वो एक ठट्ठन करी के वे का अपमान करी और वही पर थोकी है, कोड़ा मारी के मार डरी है, पर तीसरे दिन मैया वो फिंजी उठी। यीशु ही जानत भाई कि मनुष्य जाति के पापों के कारण मारा जाए, तो भी उन्होंने यरूशलेम के राह ली। बहुत लोगों ने उनके आय पर खुशी मनाई और उन्हें अपन राजा घोषित किया। चुप रह के आदेश दे, हम कहीं थन यदि ये चुप रह जाइए तो पाथर अपने आप चिल्लाए शुरू हो जाइए। शांति, आनंद, महिमा। यीशु यरूशलेम के नेरे आवा और जब वो वही का देखिस तो रोए लागिस। तू यदि अपने इस दिन में अपने शांति के अर्पत कहीं जानु लेत पर हाँ का देखे में सफल रहा, वो दिन नहीं है जब तुम्हार बैरियन मोर्चा बांधी के तो ही का घेर ली है और चारों ओर अंतेने तो ही पर दबाव डरी है और इन्हीं दीवारन में तो ही का नाश करी है, तो ही का और तुम्हारे बचपन का और वे तो हिमा याक पर दूसर पाथा नाय रख छोड़ी है, काहे ते तूने अपने मुलाकाती के समय को नाय जाने हो। यरूशलेम में पवित्र मंदिर आराधना के स्थान होई के बजाय व्यापार के केंद्र होई गवा रहा। घर हुई है पर तुमने वही का चोरन क्या गुफा बना दिया है।
कछु राजनीतिक और धार्मिक नेताओं में येसु के प्रति विरोध बढ़त गया। कहे से लोग येसु का राजा मानत रहे। हम सोचित है कि बहुतन वही का राजा मान लिहिन। राजा? हा हा हा, भिकारियन बैसन चार का राजा उई का हम पहले देखिन हन। उई आयकर दावा करके चले जाते हैं, बिसराए जाते हैं। आंधर न बनो, वही के मानने वाले दिन दिन बढ़त जाते हैं, लोग वही का सराहत हैं। सोचो याक राजा हवे, हम तो इका चेतावनी देत है, अगर यू मनई और शांति भंग किस तो हम तो इका देख ले। शायद ऊ सही हुई, समय है गलीली केर सामना करें। जैसन शास्त्रियों और फरीसियों के ढोंगी दल यीशु के प्रहार तले आए, वैसन यहूदियों माँ उनके माने वाले बाढ़त गए, और वैसन ही उई लोगों का विरोध जही का यीशु दोषी ठहराईस। मंदिर में यीशु ने एक बहुत गरीब विधवा को तांबे के दुई सिक्का दान करती देखा। का तू आओ नहीं दस का तो है। हम कही थान ये गरीब विधवा ने सब तना बाड़ी के दिहिस, मुला दूसर ने अपन धन में यहाँ ते बचा भवा हिस्सा दीन है, पर ये जैस गरीब है अपन कुल कमाई का दे दिहिस। हमका बताब तो का इस कहे का अधिकार है, कौन ऐसा अधिकार दिस? हमका तुम ते याक सवाल पूछे का देव, यहुन्ना क्यार बपतिस्मा देई का अधिकार ईश्वर ते रहा या मनई ते? हम का कहे जो कहे परमेश्वर से ने तब ऊ कही, फिर कहे नहीं यहुन्ना पर विश्वास की हो। जो हम कही मनई मा से तब हिरम पर पथरवाह करी, वही सब यहुन्ना कहीं भविष्य तत्ता मानता मैं। हमका नहीं मालूम कहाँ से मिला। तो हमू नहीं बताए कौन अधिकार तेने ही काम करती हैं। याक बार याक मने अंगूर के अरबाड़ी लगाईस, वही का ठेकेदारन का दई के लंबे समय तलो घर छाड़ी चला गावा। जब अंगूर इकट्ठा करे क्या समय आवा तो ऊ याक नौकर का भेजिस कि उनते अपन फसल क्या हिस्सा प्राप्त करे, मुला ठेकेदारन वही का मार क्या खाली हाथ भगा दीहिन। फिर ऊ दूसरे नौकर का भेजिस, ठेकेदारन वहू को मारिन और बेशरम व्यवहार करके खाली हाथ भगा दीहिन। फिर ऊ तीसरे नौकर का भेजिस तो ठेकेदारन वही का घायल करी के बाड़ी कर बाहर फेंक दीहिन। फिर बाग के मालिक ने खुद ते कहिन, हम का करी, हम अपन प्रिय पुत्र को भेजबे, जरूरन वो वही का आदर करी हैं। जब ठेकेदारन ने वही का अवधि देखिन तो आपस में कहिन, ये मालिक क्या बेटा है, यही का मार डरो तो सारी जायदाद हमार हो जाए। यही के बात का होई उन्होंने वही का बाहर फेंकी के मार डरा। तो फिर बाग क्यार मालिक उन ठेकेदारन के साथ का करिस? वो आई के उन मानुस का मार डरी है और बाग दूसरे बागबान का दे दई है। तो ये वचन क्यार का मतलब है? जो उन पाथर का यहाँ राज मिस्त्री बेकार समझिन वही सप्ते ना महत्वपूर्ण बना। जो उन केव इन पाथर पर गिरी है वो टुकड़े टुकड़े हो जाई है, और यदि यह पाथर कौनों पर भी गिरी है तो ये वही का पीस डरी है। गुरु, हम जानी तू जौन कहा शिकायत ठीक है, तू मनई केरे पद पर ध्यान नहीं देत, पर मनई खातिर परमेश्वर के मनसा केरी सच्चाई बतात है। बतावा रोमी सम्राट का कर देख हमरे नियम विरुद्ध हवे की नाही? सौदा बाबू जाल में फसे हैं। हमका याक चांदी का सिक्का दिखाओ। यही के ऊपर का एकरा ना और चेहरा हो तो जौन कुछ कैसर की हो उ सब कैसर का देव, जौन परमेश्वर करी वो परमेश्वर का देव। अब अखमीरी रोटी के पर्व नगीचे आवा जौन फसा कहलावत है।
यीशु ने सिमोन पत्रस और यहुन्ना कहिया फसे कर भोज तैयार करे खातिन आगे भेजिस। हमार बहुतन इच्छा रहे कि दुख भोगन ते पहलवे ये फसा का बोझ तुम्हारे साथ खाई। हम तुम ते कहित हैं जब तलुक परमेश्वर के राज महिया वही का मतलब पूरा ना होए हम वही का कभो ना खाई। धन्य है तू हमार प्रभु परमेश्वर श्रेष्ठ क्या राजा जो उन दाग तेने दाखरस लावत है। यही कह लेओ और आपस में यहां बांट लेओ। काहे ते हम कहित हैं जब तलुक परमेश्वर के राज ना आवे हम वही का कबो नहीं पीबे। धन्य है तू हमार प्रभु परमेश्वर श्रेष्ठ क्या राजा जो धरती ते अन्न उपजावे है। ये हमार शरीर है जो तुमका दीन जाती है हमारी याद में ऐसा ही करो। यू प्याला हमार लहू में नाई बाचा आए जौन तुमरे खातिन बहावा जाती आए। पर त्याखाओ हमरे पकड़वाए वाले के हाथ हमरे साथ मेज पर हैं और मनुष्य के पुत्र का मरना आवश्यक है जैसन परमेश्वर ने ठहराया है। पर हाय उन मनई पर जय के द्वारा पकड़वाया जाती आए। ये नहीं सकत असंभव धोखेबाज के नाव बताओ प्रभु। तुम मत जौन सबसे महान हो वो सबसे छोटी के समान बने और अगवा नौकर समान बने। महान कौन आए वो जो खाए बैठा आए ऊ जो परोसत आए। जरूर ऊ जो खाए बैठा आए पर हम तुम्हारे बीच में परोसन वाले के समान हैं। तुम हमार हर एक परीक्षा में हमार साथ रहो और जैस हमार पिता हमका राज करे का अधिकार देहिस है वैसे वही अधिकार हम तुमका दे थन। तुम हमारे राज में हमरे मेज पर बैठ कर खाइबो और पियबो राज सिंहासन पर बैठ कर इसराइल के 12 गोत्रों पर ही राज करी हो। तो फिर को धोखेबाज नहीं है। सिमोन सिमोन देखो सैतान ने सबकी परीक्षा लेना चाहिए कि अच्छे कहीं बुरे ते अलग करे जैसे किसान गेहूं को भूसी दे। मुला हमने प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास निष्फल ना होए और जब तू हमरी और फिरो तो अपने भैयन कहीं पोड़ करे। प्रभु हम तुम्हारे खातिन जेल जाए के तैयार हैं और मराई खातिन भी। हम कहती हैं पतरस आज मुर्गा के बांग देते पहले तू 3 बार हमारे इनकार करी हो कि मुझे जाना था। जब हम तुमका बिना बटवा झोरी और जूतन करे भेजें तो का कुछ कमी रही ना आए कछ ना आए। मुला आप जही के पास बटुआ झोरी होए तो ले और जही के पास तरवार ना होए वो अपन कपड़ा बेच के खरीद ले। हम कही थन शास्त्र में लिखा हन कि वो अपराधी मैया की ना गवा हमरे बारे में जौन लिखा है वो साँचो ही रहा है। देखो हिया 2 तरवारें हैं प्रभु। काफी आए
और धार्मिक अगवन के री एक सभा भई या देखे कि यीशु से कैसन छुटकारा पावा जाए। तब सैतान यहूदा मैया समाय गवा वही का पैतृक नाम इस करोती रहे उ बारह माह से याक रहे उ धार्मिक अगवन के रे साथ यीशु कहिया फसावा केर षड्यंत्र चीज। यीशु जेरूसलम छोड़ के जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना करे चला गवा। प्रार्थना करो तही ते तुम परीक्षा मैया ना पर आओ। यहूदा इस्करियोती ने चांदी के सिर्फ 30 सिक्कन के खातिन यीशु को धोखा दी। यीशु जानती रहे कि मनुष्य जाति के पाप उनके खातिन उनके प्राण दे कर घड़ी शीघ्र नेरे आवत रहे और वो प्रार्थना की। हे पिता, तोहरी अगर यही इच्छा है तो ये कटोरा कहीं हमारे पास से हटा ले, तब हो हमारी इच्छा नहीं, मुला तुम्हारी मर्जी पूरी होए। और याक दूत सरक से वही का सामर्थ्य देखाते दिखाई दी। यीशु के पसीना भुइयां परियां ऐसन गिरत रही मानो खून केरी बड़ी बड़ी बूंदे। तुम काहे सोवत था? उठाओ और प्रार्थना करो तहिते परीक्षा मैया ना पड़ो। चंबन दही के मने घर पुत्र को धोखा दिया था। प्रभु हम तलवार से इनका मार डाली। आओ ये का पकड़ लो। ये बहुत भावा का तुम हमका डाकू जानी कहीं तरवारें और लाठियां लेके आया हो? हम मंदिर में यहाँ रोज तुम्हारे साथ रहें तो तुम हमका ना ही पकड़े। बोला ये तुम्हारे काम करे घड़ी हाय जब अंधकार की अशक्ति राज करती। जय का पकड़ लो। वही का ठीक से रखायो। सिपाही वही का आंगन महिया ले गए और यहूदीन के राजा कह के वही के मजाक उड़ावे लागे। हमका बताओ और का हो वाला है? राजा का तो हमको बचा सकते हो, का तो हमका बचा सकते हो? ये हूँ मने यीशु के अर साथ रहा है। ओ बहना हम तो वही का जानिक तक नहीं। हम वही का साथ ही साथ देखें।
बड़े बने तो रहो, अब कैसे लागत है? तू भाई मायाग है? मुला हम तो नहीं हैं। कौनो शंका ना है कि ई मने यीशु की रे साथ रहे, ये के अलावा यू गलीली हुआ। ए चले जाओ, हम नहीं जानत हैं तुम कहे के बारे में पूछ रहे हो। यीशु मुड़ के पत्रस कहिया देखिस, तब पत्रस कहिया याद परा के प्रभु वही से का कहिस रहे, आज मुर्गा के बांग दे से पहले तू ही हमार तीन दाई इनकार करी है कि तू ही हमका जानत है। प्रभु हम तुमते विनती करते कि अपनी समत पर जैस चो तैस करो। प्रभु जब हमारे पुरखा तुम्हारा विरोध कीन तभव उनका क्षमा कह दियो। तुम जब उनते क्रोधित रहो तब उनकेर नाश नहीं किया, तुम उनके प्रेम और विश्वसनीयता और वादा खातिर तुम उनका बचाए लियो। पता तू का कौन मारिस? अब बुझो तुमका कौन मारिस? बंद करो, बंद करो, हम कही थे यही का सभा के सामने लाओ। जाओ ये सूते सवाल पूछे खातिर अगवन केरी धार्मिक सभा इकट्ठी भई। हमका बता का तू ही मसीहा होवे? यदि हम कही तो तुम विश्वास ना करियो, और जो हम तुमते सवाल करी तो तुम जवाब ना दे हो। अब ते लई के मनई कर बेटा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठिस। तब का तू ईश्वर के बेटा? तुम कहती हो हम हन। ये दोषी है। अब हम अपने आप सुन लिए हैं यू का कही है। हम यही का पिलातुस पास ले जाओ। चलो रूई वही का पेंटुस पिलातुस केरे पास ले गए, जौन रूमी शासकन मां से सबसे क्रूर और हजारन कहिया क्रूस पहिया चढ़ावे के अकेल जिम्मेदार रहे। और इतनी सवेरे सवेरे हिया तुम लोग का चाहत हो? हम यही का लोगन कहिया भड़कावत पकड़ेन। हम ही मनई का पकड़न लोगन का बरगलावत है। भाई का कहो तो होई यही को खत्म करो। हम ई मने मैया डंडे वाला कोनो अपराध नहीं पाए। हम भाई का दोषी पाए हन, राजा कहिया कर दे खाती मना करते हैं। वो आपन कहिया मसीहा आओ राजा कहते हैं। राजा का तू यहूदियन का राजा है? तुम ऐसा कहती हो
वही गलील में शुरू करके अब यहीं आ गवा। गलील में ये मनई का गलीली है, तब तो यह का हरिदीश को सौंप दे चाही। अब तुलुक वो यरूशलेम माही हुए, हरिदीश पास ले जाओ। तुम कौन हो जौन अपने के यहां कहत हो? वही कौन है जिनका तुम अपन चाला कहत हो? बहुते तेने कहा जात है कि तुम अचरज गेर काम कर सकत हो, हमरे खातिर कुछ कर। महाराज, इस सब लोगन का भरमावत रहे और आपन कैया राजो कहत हवे। यहू मन नहीं एक राजा हे महाराजा, यह का अच्छी तरह मारो। यही का प्लातोस के पास वापिस पठो, यह वही का इलाका है। मनाई मृत्यु दंड दे वाला कोनो अपराध नहीं। किस हम यह का कौड़ा लगवाई और छोड़ दे। ई त्योहार पढ़िया तू एक मनई के छोड़े का अधिकार रखत है। हमरे खाते बरब्बा का छोड़ो। हाँ, वही का हटा दे। हम का बरब्बा देव सेना चिल्लाते रहे कि यीशु के क्रूस पर ही चढ़ा देखक चाहती। ई खातिन पिलातुस यीशु के क्रूस पर चढ़ावे के आदेश दे दी ही। और बराबास जौन हुल्लड़ और खून के खातिन जेल में या डारा गवा रहा जही का वे चाहती रहे मुक्त की ही। और यीशु के क्रूस पर चढ़ावे के खातिन उनके हाथन में यहाँ सौंप दी।
ओए बार काओ ना होए तुरेनी केर समाऊं सरकार इधर आओ तो रस्सी काटो यरूशलेम करी औरतों हमारे खातिर ना रो बोला अपने और अपनी संतान खातिर रो कहते कि जब पेड़वा हरे हो पर यहां वही पर आइस बीता दिया है तो जब सूखे हो तो उनका हुई परमेश्वर तुम्हार मदद हम तोरे लिए प्रार्थना कर गए इनका क्षमा करो पिता कहीं नहीं जानती हैं कि का कराते ये औरन केर बचाई
अब अपन का बचावो। अगर आ तू मसीह आए तो अपना का बचावा। हाँ सलीबे ते उतर आवा। तू हमका अपन एक आश्चर्य कर्म दिखावा। यीशु के भविष्यवाणी के सफलता में दुई चोरन के बीच लटकावा गवा जैसन परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने हजारन साल पहले भविष्यवाणी कीन रहे। ई कोनो मामूली कपड़ा नहीं है। सुनो सुनो रुको रुको, नहीं नहीं इनका ना भारो। हम बताई दे का करो को जीती एक पर चिट्ठी डालो। अरे वो भाग्य अब तुम ये का करियो। और वही के मूढ़े के ऊपर या तख्ती लटकाई गई जही पर लिखा रहे यू है यहूदियन के राजा। जो तू यहूदियन के राजा हवे तो अपने आप को यहां बचा ले। का तू मसीह नहीं बिन अपने कहिया और हमका बचा ले हो। का तू परमेश्वर से ना डरत हो। ओ का वही सजा मिली है जहां तुमका पर ओ कोनो गलती नहीं कीन है। हमका याद करियो यीशु जब तुम राजा बन के आयो। हम वचन देते हैं तो आज ही हमरे साथ सरग मैया हो जाओ। जब दोपहर भई और 3 बजे तक सारे देश भर में 3 घंटा अंधकार छावा रहा। माते ऊपर ते नीचे तलुक फाट गवा। पिता हम अपनी आत्मा तोरे हाथ में समर्पित करत हन।
सिपाही के सरदार जौन कुछ भवा रहे देखिस और परमेश्वर के महिमा करत भाई कहिस। परमेश्वर के रे बड़ाई होए, सचमुच यू धार्मिक मनाई रहा है। अरमतिया केर यूसुफ जौन धर्म सभा केर सदस्य रहें, जौन ही काम केरी मंजूरी ना ही दीस रहें, पिंतुस पिलातुस ते मंजूरी लहिस कि यीशु के शरीर के शबद के दिन सूरज डूबे ते पहले कबूर महिया राख ही सके। का माफ करो, हम अपने प्रभु का शरीर का पीछे चले थे। सब लोग आ सकत हैं, मलाओ चली कहे कि सब तेरी घड़ी तेरे है। रविवार केर बड़े सवेरे वही सुगंधित चीजें जिनका वही तैयार की हिंद हैं ले के कबूर पर आई। उस समय पाथर का कबूर से ने लुड़का भवा पाई और जब ही वो भीतर घुसी तो यीशु केरी लाश हुआ ना ही रही। तू जियत के मुर्दन मा काहेक ढूंढत हो, उहिया नाई हवे मुला जी गवा। बिचारो ऊ तु से काओ कहिस जब ऊ गलील मा रहा। मनई किर बेटा पापिन के हाथे दे दिन जाई, क्रूस पर चढ़ावा जाई और तीसर दिन फिन जी उठी। प्रभु का शरीर नहीं रहा। हमारे स्वामी के अर्दूत नहीं है। अर्दूत माने देख पड़े, स्वर्दूर चमकते सूरज की नहीं। हमसे कहीं तुम जीत कहीं हमारे माँ कहे कटोती है। यू सच है, विश्वास करो। विश्वास हम वही का देखें, जब अपने आपा ही देखा कबर खाली रहा है। हमार प्रभु वहाँ नहीं रहा है। पतरस हमार विश्वास करे परे। यीशु दुई चेलन कहीं दिखाई दिया, वो उतावले होके दूसरे पास।
पर तू सच्चे जी गवाह है, उस इमाम को देख परा। जब वो हवा में रहे तब हम वैका ना जीन पाए। अरे जब वो रोटी तोड़े तब हम वैका पहचाने। अमाउस माँ अजरज वो वहाँ पहुँचा। तो इस सब का शांति मिली है। तुम काहे परेशान हो? तुम्हारे मन में यह संदेह काहे आवत आए? देखो हमार हाथ और हमार पांव, और देखो कि हम खुद ही हन, हमका छुआ और पहचान लियो। कहते कि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होती जैसे तुम हम देखाता हो। हम यही बातें करते रहें जब तुमरे साथ में रहन। हमरे बारे में ही मूसा करी व्यवस्था भजन संहिता और भविष्य कथन करे लेख में जो सब लिखा हुआ है पूरा हो रहा। यही तो लिखा है, मसीह जरूर दुख उठी हैं और मरे हुवन मां से तीसरे दिन जी उठी हैं, और वही के नाव मां पश्चाताप और पाप क्षमा का संदेश यरूशलेम से लेकर सभी जातियन मां प्रचार की जाई। तुम ही बातन के गवाह हो, और हम खुद अपने बाप के अरवादा तुम पर भेजी थन। बोला तुम शहर में यहाँ बाटी देखो, जब लक्षरक तेने शक्ति तुम पर यहाँ ना उतरे। प्रभु तुमका आशीष दे और संभाले, स्वर्ग और धरती में यह सारा अधिकार हमका दिन गवाह है। लिए जाओ और सब देशन के लोगों के यह शिक्षा जाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाव ते बपतिस्मा दे, जो आज्ञा हम दिहन है मानना सिखाओ, और दिया खाओ संसार के अंत होए तक हम सदा तुम्हारे साथ रहो। ऊ कबूर जैमा प्रभु यीशु के शरीर रखा रहा है खाली है, वही कर सलीब पर यहां मौत के रे तीन दिन बाद ही ऊ मरेन मां से जी उठी, ऊ जीवित आए और तुमरे जीवन में आए के चाहती है। यीशु आप है कहीं पुनरुत्थान और जिंदगी हम हन, जौन हम्मा विश्वास रखती है जो मर हो जाए तब हो जिंदा रहे। जब से ने यीशु मरण माते जी उठे लगभग 2000 साल बीत गए हैं, और वो आज हो दुनिया में सबते महान और सबते शक्तिशाली प्रभाव के रूप में यहाँ इस दुनिया में जियत है। बीती शताब्दियों के खमंडी पदाधिकारी आए और चला गए, शासकों पंडितों वैज्ञानिकों दार्शनिकों और धर्म के बात कहे वाले आए और चला गए, पर यहाँ यीशु आज हो जीवित है। जौन कोनो ई पृथ्वी पर जिए उन माँ वो सब सेना अनोखा रहे, उनके जन भी अनोखा रहे। बाइबल हमका बताती है वो कुंवारी मरियम ते जन्म लिहिस, उइकेर जीवन अनोखा रहे, उई केर जीवन परमेश्वर केर असाधारण शक्ति ते चरित्रित रहे, उ पाप रहित पवित्र जीवन बिताई, और जौन कौने ई धरती पर जिए उनते अधिक महान आश्चर्यजनक काम की हैं। उनके संदेश अनोखा रहे, जो सब उन्हें उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करत हैं उन्हें उ प्रेम माफी और जीवन केर नवा राह प्रदान करत हैं। जहाँ कहीं वहीकर संदेश पहुंचिस वही कर परिणाम स्वरूप नवा जीवन नई आशा और जिए का नवा उद्देश्य भवा। सलीब पर उनके मृत्यु अनोखी रहे, 2000 साल पहले इस सृष्टि के परमेश्वर ने आपन इकलौता बेटा यीशु मसीह कहिया सारे मनुष्य के पापों के खातिर बलिदान होए भेजिस।
वो तुमरे खातिर मर गवा। वही का मरिन माते जी उठे अनोखा रहे। वही की मृत्यु के 3 दिनन बाद ही इतिहास में सबते अचंभित घटना घटी। यीशु मरण माते फिन जी गवा। उनके जन्म, जीवन, मृत्यु और फिन जी उठे साबित करत है कि यीशु ठीक वही है जौनु दावा गिहिन रहे। मुला परमेश्वर के पुत्र सारे मानव जाति के उद्धार करता। यही यीशु आजु जीवित है। वो आपके जीवन में आए चाहते हैं। आपके पापु क्षमा करी के बहुतायत की शक्ति दे चाहते हैं। उनके वचना को सुनो। ऐसा मेहनत करे वाले और बोझ तने दबे भाई लोगों, हमारे पास आओ और हम तुमका आराम दे। राह, सच्चाई और जिंदगी हम हन। कौनो मनई हमरे बिना पिता तक नहीं आ सकती आए। बाइबल कहती है सब भय पाप की हीन है और परमेश्वर के महिमा ते गिरे हुए हैं। यहू कहती है कि पाप के पगार मृत्यु आए और परमेश्वर का इनाम यीशु मसीह हमरे प्रभु द्वारा अनंत जीवन है। जब यीशु मरिन तब आपके पापों का तन भर दी। अब भई हुई आपके जीवन में आए के तैयार था। देखो हम दरवाजे पर खड़े खटखटाते हैं। जो कोनो मनई हमारी आवाज सुनी के अपन दरवाजा खोलती है, हम वही के अंदर प्रवेश करी। वही से प्रेम और क्षमा का अनुभव करो और आनंद जीवन पाए के खातिन वही का तुमको तुमरे पापु के खातिन परमेश्वर के बलिदान स्वरूप स्वीकार करेगा चाहे और विश्वास होते आपन जीवन मैया उन्हें आमंत्रित करेगा चाहे। मुला ई तुमरी हार्दिक इच्छा है तो तुम विश्वासों की प्रार्थना करी सकत हो और यीशु मसीह तुमरे जीवन में आई है। प्रस्तावित प्रार्थना ई तना है हम वही का पहले कही पे। प्रभु यीशु हमका आपकी आवश्यकता है। हमरे पाप केर खातिन सलीब पर ही प्राण देर खातिन आपका धन्यवाद। हम आपन जीवन के द्वार खोले के आप कहीं आपन प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करते हैं। हमरे जीवन के नियंत्रण आपन हाथ में लो और हमका वैसे ही मने बनाओ जैसे हमका होए के चाहते हो। आमीन। यदि ई प्रार्थना तुमरे हृदय के इच्छा के दर्शाती है तो तुम जहाँ कहीं हो अब भय इस प्रार्थना को करो। हमरे पीछे पीछे मन में ई प्रार्थना करो जैसे हम एक एक पंक्ति दोहराते हैं। प्रभु यीशु हमका आपकी आवश्यकता है। हमरे पाप के खातिन सलीब पर यहाँ प्राण दे खातिन आपका धन्यवाद। हम आपन जीवन के द्वार खोली के आप कहीं आपन प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करत हैं। हमरे जीवन के नियंत्रण आपन हाथ में ले और हमका वैसन ही मने ही बनाओ जैसन हमका होएक चाहते हो। आमीन। अब यदि तुम ई विश्वासु केर प्रार्थना की हो और यीशु कहीं अपने जीवन में आय के निमंत्रण दियो है तो तुम निश्चित रूप से जान सकत हो कि ऊ तुम्हारे अंदर आएगा। वाह कहीं से उन्होंने प्रतिज्ञा की है अगर यहाँ तुम मंगबो तब ऊ वैसन ही करी है। तब यहू जान सकत हो कि तुम परमेश्वर के संतान हो और अनंत जीवन तुमरा है। अगर यहाँ तुम भरपूर और बहुतायत के जीवन जय करवादा यीशु ने कीन है अनुभव करे का चाहते हो तब प्रार्थना में रोज बहते बात करो। शास्त्र पढ़ी के अपने जीवन के लिए वही कर अद्भुत योजना के खोज करो और दूसरन ते मिलो जौन प्रेम करत हैं और वही के पाछे चलत हैं। अंत महिया वही की अद्भुत प्रतिज्ञाओं का हमेशा याद रख। हम तुमका कभो न छोड़ब और न त्यागब। देखो संसार के अंत तक हम सदा तुमरे साथ हैं।